नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा पुलिस मेल एसआई के बारे में। जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल का था दोस्तों, वो रिजल्ट आ चुका है। आपने सबने रिजल्ट देख लिया होगा कि कौन बच्चा फिजिकल के लिए किसको बुलाया गया है, किसको नहीं बुलाया, ये आपने रिजल्ट देख लिया होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है बच्चों का कि क्या इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, और नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो कितने नंबर बढ़े हैं, किस किस को फायदा हुआ है, इस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। दूसरा सबसे बड़ा बच्चों का डाउट आ रहा था कि जो हमने ऑब्जेक्शन लगाया था आंसर की को लेकर, जो ऑब्जेक्शन लगाया था, क्या उसमें हमारे वो क्वेश्चन सही माने या गलत माने, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे बड़ा मुद्दा है वो यह है कि कट ऑफ कितनी गई। बहुत बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही थे तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि फिजिकल की कट ऑफ क्या रही, कितने नंबर वाले को फिजिकल के लिए बुलाया, तो उस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो भी बच्चा फिजिकल में नहीं बुलाया, जिसको भी जो पेपर में फेल हुआ है, उसको भी वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर। उससे पहले चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले चीज को जरूर दबाना। तो पहले मैं आपका नॉर्मलाइजेशन का डाउट क्लियर कर देता हूं। आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसआई मेल की बात कर रहा हूँ, जिसका रिजल्ट अभी कल ही जारी किया गया है। उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। अब उनको फायदा हो गया, जिनका पेपर इजी था वो बच्चे सेलेक्ट हो गए, और जिनका पेपर थोड़ा हार्ड था वो बच्चे रह गए। तो ये डाउट आ रहा था ना आपका, नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, तो ये क्लियर कर लो, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि कट ऑफ कितनी गई। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको आंसर की को लेकर भी डाउट आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी एचएसएससी ने किसी भी प्रकार की रिसीव्ड आंसर की जारी नहीं करी है, और न बच्चों को बताया है कि कितने क्वेश्चन सही माने हैं, कितने क्वेश्चन गलत माने क्या है, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती है किसकी, एचएसएससी को। उनको बच्चों को बताना चाहिए कि हमने जो आपके ऑब्जेक्शन लगाया था वो क्वेश्चन हमने सही माने हैं या नहीं माने। ये ऑब्जेक्शन में दोस्तों रिसीव्ड आंसर की में बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि कट ऑफ कितनी गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक एचएसएससी ने नहीं बताया है कि हमने कट ऑफ कितनी निकाली है, कट ऑफ कितनी गई है, न अभी कोई नोटिस डाले हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि लगभग कट ऑफ उतनी गई है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा ना, लगभग कट ऑफ उतनी गई है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी 72-73 क्वेश्चन सही थे ना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी 72-73 क्वेश्चन सही थे, उस बच्चे को पास कर दिया गया है। अब एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, 72-73 जिसके भी सही थे उसको सेलेक्ट कर लिया गया है जनरल कैटेगरी में। आगे बता दूं, ईडब्ल्यूएस में जिस किसी के भी 74 से लेकर 76 क्वेश्चन सही थे ना, उसको भी सेलेक्ट कर लिया है फिजिकल के लिए। आगे मैं आपको बता दूं, बीसीए और बीसीबी, बीसीए में जिस किसी के भी 69, 70, 71 क्वेश्चन सही थे ना, जिसके भी 69 से लेकर 71 क्वेश्चन सही थे, उनको सेलेक्ट कर लिया है। बच्चों ने मेरे पास बहुत कमेंट किया है कि मेरे बीसीए से 69 क्वेश्चन सही है, मैं भी पास हो गया। तो जिस किसी के भी बीसीए में 69 से लेकर 71 क्वेश्चन सही थे, उसको भी सेलेक्ट कर लिया गया है। बीसीबी की बता दूं, कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई है बीसीए से, तो बीसीबी में जिस किसी के भी 71-72 क्वेश्चन सही थे, उस बच्चे को भी सेलेक्ट कर लिया गया है फिजिकल के लिए। आगे बता दूं, एससी की कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, जिस किसी के भी 67 से लेकर 79 क्वेश्चन सही थे, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एससी में जिस किसी के भी 67 से लेकर 79 क्वेश्चन सही है, उस बच्चे को भी फिजिकल के लिए बुलाया गया है, और वो बच्चा फिजिकल देने जाएगा। ये तो आपके रही है दोस्तों कट ऑफ, लेकिन ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है ये दोस्तों। जो बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया था ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया इतने नंबर पे, मेरा सिलेक्शन हो गया इतने नंबर पे, वहां से हमने दोस्तों ये है ना आंकड़ा वहां से उठाया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है फिजिकल। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, कल आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 23 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी फाइनल कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है।
ध्यान से सुन लेना, फाइनल कट ऑफ ज्यादा जाने वाले, मतलब कि जिस किसी के भी 80 के आसपास क्वेश्चन सही है ना, वो तो अपना सिलेक्शन मान सकता है, 100 में से 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा जिस किसी के भी 80 के आसपास क्वेश्चन सही है, तो आपकी फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ये भी बोलेंगे इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, इतनी ज्यादा क्यों जाने वाली है, क्योंकि आपको भी पता होगा पोस्ट कितनी है, पोस्ट 400 है, और फिजिकल के लिए कितने बच्चों को, लगभग 3300 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। और आपको ये भी पता होगा हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर बहुत कम बच्चे फिजिकल में बाहर होते हैं, जिस कारण से इसके फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। और जिस भी बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, जिस बच्चा भी पास हुआ है, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से यही दुआ करता हूं दीपावली के अवसर पर जिस प्रकार खुशी आती है, उसी प्रकार से अब की बार आपको दीपावली के अवसर पर वर्दी मिल जाए और आपका अपना सपना पूरा हो जाए। तो मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, रिसीवर आंसर के लेकर, फाइनल कट ऑफ को लेकर, फिजिकल को लेकर और फिजिकल की कट ऑफ को लेकर सभी मुद्दों पर मैंने बात कर ली। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है, बेझिझक कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिसे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।